उत्तर प्रदेश में किसकी हुई हार और किसकी हुई जीत, इसका पता तो 10 मार्च को चलेगा, लेकिन उससे पहले सियासी दल अपनी अपनी गोटियां फिट करने में जुटे हैं। मैं हिंदुस्तान की बेटी आपको बता दूं कि इस बार बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूर्वांचल और पश्चिम का गढ़ बचाने की है। जहां 2017 में भगवा पार्टी ने समाजवादियों का सूपड़ा साफ किया था, मैं हिंदुस्तान की बेटी आज राष्ट्रवाद में आपको बता रही हूं कि कैसे पूर्वांचल और पश्चिम यूपी में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है और क्यों बीजेपी को यकीन है कि वो अपना किला न सिर्फ बचा लेंगे बल्कि पिछली बार से ज्यादा बड़ी जीत हासिल करेंगे। मैं हिंदुस्तान की बेटी आज राष्ट्रवाद में बीजेपी से सवाल पूछती हूं, रामराज में महंगाई पर कंट्रोल होगा और नौकरियां मिलेंगी क्या? क्या फिर जनता को बस मंदिर ही आप दिखाते रहेंगे? मैं हिंदुस्तान की बेटी समाजवादियों से पूछती हूं कि माफिया राज, गुंडा राज, अपराध और दंगों का हिसाब उनसे क्यों ना मांगा जाए? इस बार भी पूर्वांचल के हाथ में यूपी की सत्ता की चाबी है। जिस पार्टी ने पूर्वांचल को साथ लिया, मानो उसने यूपी का अगला युद्ध जीत लिया। पूर्वांचल के गेटवे पर भगवा लहर, हर हर महादेव। काशी का कायाकल्प, पूर्वांचल में कौन विकल्प? हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ बनाएंगे बीजेपी का काम। बीजेपी ने काशी का कायाकल्प करके पूर्वांचल को साधने की कोशिश की है। दशकों पुराने बाबा विश्वनाथ के भव्य कॉरिडोर की मांग को पूरी कर बीजेपी ने वो कर दिखाया है जिसके सामने विरोधियों के तमाम दावे और हथकंडे बेकार हैं। महादेव की महिमा अपरंपार है, बाबा की कृपा जिस पर बरसेगी विजयी भव का आशीर्वाद उसे ही मिलेगा, लिहाजा अखिलेश भी बनारस में मत्था टेक आए हैं और प्रियंका गांधी भी। लेकिन काशी की जिस चकाचौंध ने पूर्वांचल के जनमानस को मथा और पूरी दुनिया ने जिस दिव्य और भव्य काशी की तारीफ की, उसे पूरा करने में यूपी की डबल इंजन सरकार का योगदान सबसे बड़ा है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। पूर्वांचल में 56 जिले हैं जिनमें विधानसभा की 156 सीटें हैं। बीजेपी ने 2017 में यहां 106 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी 18 सीट पर ही सिमट गई थी। वहीं कांग्रेस को महज 4 सीटें मिली थी। लेकिन वहां करिश्मा किया था अपना दल और ओपी राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने, लेकिन तब दोनों ही पार्टियां बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरी थी। अपना दल को 8 और राजभर की SBSP को 4 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार ओपी राजभर साइकिल पर सवार हैं और दावा कर रहे हैं कि यूपी में खदेड़ा होवे। अब यूपी में खदेड़ा होवे,
यूपी की सियासत में पूर्वांचल की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यहां 9 रैलियां कर चुके हैं। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस के जरिए विकास का हाईवे बनाकर बीजेपी भी अपनी जीत का दावा ठोक चुकी है। एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। लेकिन अखिलेश यादव पूर्वांचल की जंग सोशल इंजीनियरिंग के दम पर जीतना चाहते हैं। यहां अखिलेश ने ओपी राजभर को साइकिल की सवारी कराई है और यादव राजभर प्लस मुस्लिम वोट बैंक के साथ बड़े उलटफेर की फिराक में हैं। इसी काट के लिए बीजेपी ने अति पिछड़ों में पैठ रखने वाली निषाद पार्टी, अपना दल, भारतीय मानव समाज पार्टी, शोषित समाज पार्टी और भारतीय समता पार्टी जैसी 7 पार्टियों को अपने पाले में किया है ताकि अखिलेश यादव और ओपी राजभर की सोशल इंजीनियरिंग को ध्वस्त कर सके। 2022 में निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनेगी, मैं उम्मीद के साथ आज की प्रदेश में जनता बदलाव के मूड में हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जुमला बोलने में, झूठ बोलने में, धोखा देने में और यूज एंड थ्रो करने में एक नंबर की पार्टी है। बीजेपी के लिए इस बार सबसे बड़ी चुनौती पश्चिमी यूपी में है जहां अखिलेश के साथ जयंत चौधरी और तिकड़मी टिकैत हैं। पश्चिमी यूपी में 76 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने 66 सीटें जीती थी जबकि समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिली थी। जयंत चौधरी की पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। अखिलेश अपनी सोशल इंजीनियरिंग के बलबूते ताक में है कि पश्चिमी यूपी में वो बड़ा खेला कर देंगे, लेकिन बीजेपी पश्चिमी यूपी के जाटों को बार बार पलायन और मुजफ्फरनगर के दंगे याद दिला रही है। यहाँ पर कहीं पलायन होता था, कहीं दंगे होते थे, कहीं पर अराजकता चरम पर थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, अराजकता का तांडव इस कदर था कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही बदरंग हो गई। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का। लेकिन अखिलेश ये भूल रहे हैं कि जाट, मुसलमान और यादव को एक छतरी के नीचे कागज पर लाना जितना आसान लग रहा है, पोलिंग बूथ पर साथ साथ लाना उतनी ही टेढ़ी खीर है। क्योंकि अखिलेश ने जब जब गठबंधन में चुनाव लड़ा, सहयोगी दल वोट ट्रांसफर कराने में नाकाम रहे और समाजवादी पार्टी को तगड़ी हार झेलनी पड़ी। इस बार तो पश्चिमी यूपी में भड़काऊ भाईजान भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और उनके निशाने पर बीजेपी से ज्यादा अखिलेश यादव हैं। जाहिर है मुस्लिम वोट बैंक को झटका देकर ओवैसी अखिलेश जयंत का खेल बिगाड़ने में लगे हैं। मौलाना मुलायम है मगर मौलाना तो नहीं निकले, अपने यादव परिवार को आगे बढ़ा दिया। तो कभी आपने कहा कि चलो इनके बेटे का साथ देते हैं, तो हमको क्या मिला? मुजफ्फरनगर मिला। अवध में पूर्वांचल के बाद सबसे ज्यादा 90 सीटें हैं जहां राम परशुराम के बीच चुनावी जंग है। अखिलेश ओबीसी के साथ परशुराम मंदिर बनवाकर ब्राह्मण वोट बैंक को भी साधने में लगे हैं, लेकिन बीजेपी सवाल उठाती है कि राम भक्तों पर गोली चलाने वालों की साइकिल पर ब्राह्मण क्यों सवार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।